हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष, और आज मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट जो NS सीरीज है 160, 200 और NS 400Z लेकर आया हूं। अब तीनों में आप लोगों को यहां पर चीज़ें मिलने क्या वाली है, क्या इन तीनों में आप लोगों को सिमिलर मिलेगी, कहां आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा, प्राइस आपको कितना पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन प्राइस के साथ माइलेज एवरीथिंग इन डिटेल आज मैं आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं। सो दैट अगर आप लोगों के दिमाग में यहां पर कोई किसी तरीके की कोई कन्फ्यूजन थी कि यहाँ पर 160 खरीदना सही होगा NS या फिर NS 200 सही होगा या फिर NS 400Z मेरे लिए सही होगा, ये जो डाउट है ना, ये आज आप लोगों की यहाँ पर वीडियो के अंदर क्लियर हो जाने वाला है। एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू SS बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स ताकि मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के नाम अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज या फिर KTM की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कलर वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो NS 200 और 160 में कलर वेरिएंट आप लोगों को दोनों बाइक में बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। ये जो आप पीटर ग्रे कलर यहाँ पर 200 में देख पा रहे हैं, 160 में भी आपको मिलेगा, और 160 के यहाँ पर जो आप कॉकटेल वाइन रेड देख पा रहे हैं सेम आप लोग को यहाँ पर 200 में मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर जो ब्लैक और व्हाइट कलर है ये भी मिलेगा। देन जब आप लोग NS में आ रहे हैं यहाँ पर भी आप लोगों को सेम आप कह सकते हैं ब्लैक देन व्हाइट देन पीटर ग्रे और जो रेड कलर है वही मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर जो ये ग्राफिक्स वगैरह ये आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिल रही है। बाकी चाहे NS 400 हो, 200 हो या फिर 160 हो, कलर आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है वो आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया, तो कौन से यहाँ पर मॉडल में आप लोगों को कौन सा कलर ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिख कर बताना नहीं भूलेगा। अब बात करते हैं अबाउट प्राइस। देखिए जब आप NS 160 में देख रहे हैं ये आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 175 से 180 के बीच में मिल जाएगा। मैं ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ। देन अगर आप लोग 200 देख रहे हैं तो 190 से 195 के बीच में आपको मिल जाएगी, और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर NS 400 देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी ज़्यादा है। आप CC 200 से यहाँ पर डायरेक्ट 400 पे चले जा रहे हैं तो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, 230 से 235,000। तो अगर आप लोग यहाँ पर NS 160 से NS 400 में जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 50-60 हज़ार रुपये तक का गैप आता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि तीनों ही बाइक में आप लोगों को मिल क्या करिए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि आप लोगों के लिए बेहतर कौन सा है, 160, 200 या फिर यहाँ पर 400। सबसे पहले अगर हेडलैम्प के बारे में बात करी जाए, देखिए NS 160 और 200 में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम हेडलैम्प मिलेगा, लेकिन हल्का सा यहाँ पर ट्विस्ट है वो आप लोग को मिलेगा। जब आप लोग यहाँ पर NS 160 को यहाँ पर की ऑन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कोई फर्क आपको नहीं दिखेगी। फर्क आपको तब दिखेगी जब आप यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन कर रहे हैं। इग्निशन को ऑन करने के बाद ही आप लोग यहाँ पर जो हाई बीम लो बीम या फिर पास लाइट उसको आप विद हेल्प ऑफ दिस स्विच आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं NS 200 में, जैसे आप लोग यहाँ पर की ऑन करते हैं यहाँ पर जो DRL है ये आप लोग को जलता हुआ दिखता है। यहाँ पर भी सेम है, जब आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन कर रहे हैं तभी आप लोग यहाँ पर जो हाई बीम लो बीम पास लाइट है कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये एक डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है DRL को ऑन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट हेडलैम्प को यूज़ करने के लिए आप लोगों को पहले इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी आप लोगों को जो LED टच सिग्नल मिल रहा है यहाँ 200 में भी आपको सेम मिलेगा। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर 400 में आ रहे हैं ये तो भाई कंप्लीटली चेंज आप लोगों को यहाँ पर जो हेडलैम्प है वो मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर जैसे आप की ऑन कर रहे हैं यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं पावर शिफ्ट की यहाँ जो DRL है, बाकी पावर शिफ्ट आप लोगों को तीनों में ही मिल रही थी लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा शेप अलग है तो ये आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्टर मिल रही है, ठीक है। अभी देखिए प्रोजेक्टर ऑन है, अगर आप लोग इसको ऑफ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग से स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये मैंने इसको ऑफ कर दिया है, और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट ऑपरेट करना चाह रहे हैं सेम जो स्विच है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, और हाई बीम लो बीम पास लाइट आप लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्टर में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री यहाँ पर बजाज ने जो आप कह सकते हैं हज़ार्ड लैंप का ऑप्शन है वो भी इंट्रोड्यूस करा है, लेकिन हाँ सेम आप लोगों को ये जो LED ब्लिंकर है ये आप लोगों को तीनों ही बाइक में बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। तो फ्रंट में यहाँ पर क्या डिफरेंस है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, हेडलैम्प पे तो डिफरेंस है ही, थोड़ा थोड़ा करके तीनों में डिफरेंस है। अब बात करते हैं यहाँ पर फ्रंट सेक्शन में। देखिए अगर आप लोग NS 160 या फिर 200 में आ रहे हैं दोनों में जो फ्रंट सेटअप है काफ़ी सिमिलर आप लोगों को मिलेगा। दोनों में आप लोगों को सेम यहाँ पर जो USD फोक है ये आप लोगों को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये आप लोग यहाँ पर मडगार्ड वगैरह देख रहे हैं यहाँ पर भी सेम ये कार्बन फाइबर की फिनिश के साथ ये आप लोगों को मिल रही है, और साथ ही अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो ये भी दोनों में ही बिल्कुल सेम है। 100/80 सेक्शन तक की जो टायर है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये अलॉय व्हील देख रहे हैं ये भी डिज़ाइन आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगी, और मतलब आप कह सकते हैं 17 इंचेस की आपको मिल रही है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो डुअल चैनल ABS का जो सेटअप है ये आप लोगों को चाहे NS 400 हो, 200 हो, 160 हो, तीनों में आप लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जब आप आ रहे हैं सबसे पहला तो ये है कि USD जो सेटअप है जो आप लोगों को NS 160 200 में मिल रहा था यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन ये 43mm की और काफ़ी चौड़ी है उन दोनों बाइकों की अगर कंपैरिजन में यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग टायर देख रहे हैं इन दोनों में आप लोगों को 100 सेक्शन की मिल रही थी, यहाँ पर 110/70 सेक्शन की मिल रही है। बाकी अलॉय व्हील जो है यहाँ पर भी आपको सिमिलर ही मिल रहा है, 17 इंचेस की अलॉय व्हील के साथ ही आपको मिल रहा है।
अब बात करते हैं यहाँ पर ABS के बारे में, डुअल चैनल ABS का सेटअप यहाँ पर भी आपको मिलेगा। उन दोनों में आप लोगों को क्या मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 300mm की जो डिस्क है 200 और 160 में, ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा था। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोगों को 320mm की जो डिस्क है ये आप लोगों को मिले, तो 20mm बड़ी है। बाकी ग्रीमिका की जो कैलिपर है ये आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइकों में बिल्कुल ही सेम देखने को मिलेगी। तो ये जो फ्रंट सेक्शन है ये क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बताया है, बाकी तीनों में ही काफ़ी सिमिलर है। लेकिन आप कह सकते हैं NS 160 200 के मुकाबले 400 में हल्का हल्का आप लोगों को जो साइज है उसमें आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर इंजन के बारे में। 160 में अगर आप लोग देख रहे हैं तो सबसे पहला तो ये है, अब देखिए यहाँ पर तीनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर जो क्रैश गार्ड है ये आप लोगों को मिल रहा है। तो भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी साइडवाइज गिरती भी है तो स्क्रैचेस से डेंट की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो किक स्टार्ट है ये आप लोगों को 160 में मिलेगी और 200-400 में आपको देखने में नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जंप करते हैं इंजन में। यहाँ पर आप लोग को 160cc SOHC 4-valve ऑयल कूल फिलेचर इंजन मिलेगा, बाकी DTSI जो है कंपनी ने अभी तक यहाँ पर से हटाया नहीं है। पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं 17.2 PS तक की मैक्स पावर एंड 14.6 न्यूटन मीटर तक की जो मैक्स टॉर्क है ये आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। बाकी ऑयल कूलिंग की यहाँ पर जो स्टिकरिंग है वो आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर किक स्टार्ट विद ऑयल कूलिंग जो है ये आप लोग को मिलेगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इंजन काउल देख रहे हैं तो चाहे 160 हो, 200 हो या फिर 400 हो, आपको काफ़ी सिमिलर ही मिलेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप लोग 200 में आ रहे हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं DTSI जो है वो कंपनी ने यहाँ पर हटाई नहीं है। बाकी अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं 199.5cc 4-valve लिक्विड कूल फिल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को मिलेगा। तो वहाँ पे ऑयल कूल थी, यहाँ पर भी लिक्विड कूल है, 400 में भी आपको लिक्विड कूल मिलेगी। लेकिन जब आप पावर फिगर देख रहे हैं तो लाजमी की ज़्यादा होनी है, 24.5 PS की आपको मिल रही है, 18.74 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अभी कंपनी ने यहाँ पर जो स्लीपर क्लास है उसको भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस कर दिया है। बाकी जो इंजन काउल वगैरह है ये तो आप लोगों को तीनों ही बाइक में काफ़ी सिमिलर मिल रहा है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और जब आप यहाँ पर NS में आ रहे हैं 400 में तो यहाँ पर आप लोगों को वही KTM ड्यूक 390 वाली जो इंजन उसको डिराइव करके यहाँ पर लगाया गया है, डोमिनार वाली सेम इंजन आप कह सकते हैं, 373cc DOSC 4-valve लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अब पावर जो है सबसे ज़्यादा है, 40 PS की पावर और 35 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क आप लोगों को मिल रहा है। तो पावर में जो गैप है वो देख लीजिए, अगर आप लोग NS 160 में जा रहे थे तो यहाँ पर जस्ट 17.2 PS की पावर थी, और जब आप यहाँ पर 400 में आ रहे हैं तो 40 PS तक यहाँ पर आप लोगों को जो पावर है वो मिल रहा है, मतलब कह सकते हैं कि करीबन 23 PS तक की पावर यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रही है। तो ये भी एक बात है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, स्लिप एंड असिस्ट क्लच, देन यहाँ पर ABS और राइड मोड जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। अब एक काम करते हैं, बारी बारी से यहाँ पर तीनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना दूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विथ NS 160। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर NS 160 को सुन लिया। अब मैं कह दूँ तीनों ही बाइक में आप लोगों को ये जो अंडरबिल एग्जॉस्ट है ये आप लोगों को मिलेगी। लेकिन अब मैं आप लोगों को यहाँ पर NS 200 की जो आवाज़ है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। ये दोस्तों आप लोगों ने NS 200 को भी सुन लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं NS 400 के बारे में, और इसकी जो आवाज़ है ये भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। तो दोस्तों तीनों ही बाइक को आप लोगों ने यहाँ पर जो आवाज़ है वो आप लोगों ने सुन लिया। अब देखिए डेफिनेटली यहाँ पर ना जो एग्जॉस्ट साउंड है वो ज़्यादा बेसियर है। बाकी आप लोगों को क्या लगा, मतलब कौन सा आप लोगों को सबसे बेहतरीन लगा है प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। और अब यहाँ पर जो रियर सेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर एक बार इसको ऑन करते हैं। अब देखिए एक जो फ़र्क आपको दिखेगा, तीनों में ही आप लोगों को करीबन सेम यहाँ पर जो टेल लैम्प है वो दिख रहे हैं, लेकिन टेल लैम्प NS 160 में जल नहीं रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो इग्निशन है उसको ऑफ कर दिया है। बाकी यहाँ जिस तरीके से आपको यहाँ मिल रही है NS 200 में भी आपको सेम मिलेगी, 400 में भी आपको चीज़ें बिल्कुल ही सेम ही देखने में मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये टेल टाइड ही देख रहे हैं तो भी आप लोगों को तीनों ही बाइक में बिल्कुल ही सेम देखने को मिलेगा, चेंज नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोग फ्रंट की तरह रियर में भी अगर आप लोग यहाँ पर ये टर्न सिग्नल देख रहे हैं तो तीनों में ही आप लोगों को सेम है जो LED ब्लिंकर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और साथ में जो रिफ्लेक्टर है ये भी आप देख रहे हैं तीनों ही बाइक में आप लोगों को सेम जगह पर मिलेगी। एंड देन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो टायर हगर जो है ये भी आप लोगों को तीनों ही बाइक में मिलेगी, लेकिन चाहे NS 160 हो, 200 हो, फिर 400 हो, तीनों की जो शेप है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। एंड अब बात करते हैं यहाँ पर रियर सेक्शन में टायर के बारे में। अगेन मैं कहूँगा चाहे 160 हो, 200 आप लोगों को सिमिलर देखने को मिलेगा। 130x70 सेक्शन की जो टायर है ये आप लोगों को मिल जाएगी विद 17 inches ऑफ सेम अलॉय व्हील। ठीक है, अलॉय व्हील तीनों में ही सेम है। अगर आप लोग 400 में भी देख रहे हैं यहाँ पर भी सिमिलर ही आपको मिलेगी, लेकिन जो टायर सेक्शन है वो आप लोगों को दोनों में सेम मिल रही है NS 160 एंड 200। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर
ब्रेकिंग देख रहे हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, NS 400 में यहाँ पर जब आप आ रहे हैं 140 बाई 70 सेक्शन की टायर विद 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील मिल रही है, तो इन दोनों में 130, यहाँ पर 140, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 10 mm ज़्यादा है। लेकिन जब आप यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो तीनों में ही आप लोगों को सेम ये जो 230 mm की जो ब्रेकिंग है विद इस ग्रीमिका कैलिपर, ये आप लोगों को मिल जाएगी। ये भी कह सकते हैं कि तीनों ही बाइक में आप लोगों को जो एडजस्टेबल ये नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन है, ये आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में बिल्कुल देखने में मिल रही है। तो टायर के अलावा आप लोगों को सस्पेंशन और ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा चेंज जो है तीनों बाइकों में देखने में नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर लेफ्ट पोर्शन के बारे में। NS में आप देख सकते हैं साड़ी गार्ड है, यहाँ पर जब आप देख रहे हैं 200 में, वो 400 थी, ये 200 है, यहाँ पर भी साड़ी गार्ड है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो लेडीज़ फुटर्स अलग से आप लोगों को NS 160 में देखने को मिल जाएगा। बाकी तीनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर ये जो बॉक्स एक्शन स्विंग आर्म है ये मिल रहा है। बाकी NS 400 में एलुमिनियम मिलती तो शायद और थोड़ा बेहतर होता। अब आप लोगों का क्या राय है प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो तीनों में आप लोगों को यहाँ पर जो ओपन चेन सिस्टम है ये भी आप लोगों को देखने में मिलेगा। अब जब आप NS 160 या फिर 200 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो मेन स्टैंड है वो भी मिलेगी, लेकिन NS 400 में मेन स्टैंड आप लोगों को नहीं मिलेगा। बाकी NS 160 में 5-speed गियर बॉक्स, 200 और 400 में आप लोगों को यहाँ पर 6-speed गियर बॉक्स जो है ये आप लोगों को देखने में मिलेगी। एंड देन अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं तो वो मैं बता दूँ, NS 160 में आप लोगों को 805 mm की मिलेगी। एंड अगर आप लोग NS 200 में आ रहे हैं सिमिलर आपको मिलेगा, और अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो कंपनी कहती है NS 400 में 807 मतलब 2 mm तक की ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर सीट देख रहे हैं स्टाइल वगैरह में बिल्कुल ही सेम है, और कुशनिंग अगर आप लोग देख रहे हैं तो ठीक ठाक है, लॉन्ग राइड के लिए प्रेफरेबल है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" से 3' तक की भी है तीनों ही बाइक को आप मैनेज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देन अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देख रहे हैं तीनों ही बाइक में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगी, और तीनों ही बाइक में आप लोगों को ये 12 लीटर तक की मिलेगी। एंड यहाँ पर अगर आप लोग NS 160 देख रहे हैं 40 से 45 किलोमीटर तक की माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 200 में वही 30 से 35 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पर आ रहे हैं NS 400 में आप लोग 25 से 30 के बीच में आप इसको मानकर चल सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। अगर आप लोग NS 400 में देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं आप लोगों को 168 की मिल रही है। देन अगर आप लोग यहाँ पर 200 में आ रहे हैं तो आप लोगों को 168 की मिल रही है, ठीक है, करीबन सेम है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं NS 160 में तो यहाँ पर 700 mm की है, तो आप कह सकते हैं करीबन 2 mm यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगी। एंड देन वेट अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसमें भी फर्क है। 160 में आप लोगों को यहाँ पर 158 किलोग्राम जब आप यहाँ देख रहे हैं, सॉरी 152 किलोग्राम जब आप 200 में आ रहे हैं, 158 किलोग्राम यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है, 174 किलोग्राम। आप देखिए 400 cc की बाइक और इसमें पावर भर के दिया गया, तो उसको एकोमोडेट करने के लिए इंजन को थोड़ा भारी होना तो बनता है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट पे लिखकर बताना, प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और अब दोस्तों यहाँ पर जो मीटर कंसोल है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हैंडल बार है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए NS 160 और 400 में मतलब 200 में आप लोगों को सेम ये जो आप कह सकते हैं क्लिप ऑन हैंडल बार है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है, तो इसी के बारे में आपको बता देता हूँ। हाई बीम लो बीम फास्ट लाइट का स्विच, ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, तो इसको टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये जो बटन ये आपको मिल रहा है, ये टर्न सिग्नल और ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड ऐसा नहीं कहूँगा। राइट में अगर आप लोग आ रहे हैं इंजन किल स्विच है, यहाँ पर आप लोगों को ये जो आपने यहाँ पर लाइट देखी थी सामने उसको ऑन ऑफ करने के लिए स्विच आपको मिल रही है हेडलैम्प, और यहाँ पर नीचे इंजन ऑन करने का स्विच है। बाकी जो E20 की स्टिकरिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में देखने को मिल जाएगा। तो स्ट्रेट मतलब ये बनता है कि अगर आप इसको फ्लेक्सिबल से भी चलाना चाह रहे हैं इंजन को आप आराम से रन कर सकते हैं तीनों बाइक को, कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी। एंड देन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है NS 160 200 में आपको मिलेगा, NS 400 में भी आपको यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आपको देखने में मिल रही है। अब मीटर कंसोल में NS 160 200 में आप लोगों को बिल्कुल ही चीज़ें सेम देखने को मिलेगी। यहाँ पर जैसे आप इसको यहाँ पर ऑन कर रहे हैं पूरा एक बार यहाँ पर ये अभी स्वाइप भरती है, देन आप लोगों को जो टैकोमीटर है, देन गियर प्रेशर सेंसर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गैस सेंसर, ये आप लोगों को मिलेगा। ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपने अपने मोबाइल में आप बजाज की जो राइड कनेक्ट ऐप है उसको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप इसको यहाँ पर जोड़ रहे हैं, साथ ही अगर आप लोग सेटिंग वगैरह में जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बटन, तो यहाँ पर आप लोग क्लॉक वगैरह जो है वो भी आप यहाँ पर सेट कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने में मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी सी अलग है, यहाँ पर स्ट्रेट हैंडल बार आपको मिल रहा है, हाइड्रोफॉर्म्स इसको तैयार किया गया है, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करी गई है, लेकिन अच्छा है क्योंकि हैंडल बार थोड़ी ऊँची है, थोड़ी अपराइट राइडर पोजिशन है, तो आप इसको लॉन्ग राइड के लिए ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। अब इसको ऑन करते हैं, कंप्लीटली आप लोगों को डिजिटल मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कलरफुल आप लोगों को मिल रही है, चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा भी है, मैं बताता हूँ आगे आपको। यहाँ पर आप लोगों को टर्न सिग्नल, हाई बीम लो बीम का पास लाइट मिल रहा है, यहाँ पर ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, तो इसको टॉगल करने के लिए यहाँ पर आपको ये सारे बटन जो ये मिल रही है। एंड देन यहाँ पर ये टर्न सिग्नल है ऑन, डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी लाउडर है, और यहाँ पर आप लोगों को हैजार्ड लैंप का स्विच, इंजन किल स्विच, स्टार्ट स्टॉप स्विच को एक साथ इंटीग्रेट किया गया, और यहाँ पर हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने का स्विच है मतलब प्रोजेक्टर को, ऑलरेडी बताया है। यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आप लोगों को मिलेगा, एंड देन यहाँ पर आप लोगों को टैकोमीटर,
स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज सेंसर, मोड वगैरह आप लोगों को मिल रही है, रोड स्पोर्ट, रेन एंड देन ऑफ रोड, ये राइड मोड और एबीएस मोड दोनों है। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम जो आप लोगों को परफॉर्मेंस है वो मिलती है, और ऑफ रोड मोड में जाके एबीएस तब किन करती है जब हल्का सा टायर जो है वो स्लिप करती है, ठीक है। और स्पोर्ट और ऑफ रोड मोड में जाके जो ट्रैक्शन कंट्रोल है आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं इसको आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को ऑन ऑफ करना है, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, टर्न बटन नेविगेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो है आप बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। और लैप टाइमर मोड के बाद सेटिंग्स में अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर डेट टाइम ब्राइटनेस वगैरह जो चीज़ है ये आप यहाँ पर बिल्कुल सेट कर पाएंगे, ठीक है। और मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप लोगों को डोमिनार की मिरर मिलेगी, और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी जो मिरर है वो आप लोगों को डिफरेंट देखने में मिलती है। तो तीनों ही बाइक को दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर मतलब माप लिया है कि आप लोगों को यहाँ पर मिलती क्या क्या है, और मैं आप लोगों को यहाँ पर कंक्लूजन में बता दूँ कि आप लोगों को खरीदना कौन सा बाइक है। देखिए मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोग बिल्कुल जनरल सेंस के लिए एवरीडे राइड के लिए आप खरीद रहे हैं, आप लोगों को एनएस की जो फील है वो अच्छी लग रही है, आप लोगों को माइलेज 40-45 किलोमीटर तक की चाहिए, मेरे ख्याल से आप एनएस 160 ले लीजिए। और अगर आप लोगों को डेली राइड में ही थोड़ा सा और ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, माइलेज आप लोग 35 तक अगर मिल रही है तो आप लोग खुश है, मेरे ख्याल से एनएस 200 आप ले सकते हैं। और आप लोगों को वो लिक्विड कूल, 6-स्पीड गियरबॉक्स, स्लिप एंड असिस्ट क्लच, इन सारी चीज़ों की जरूरत थी, आप एनएस 200 के साथ जा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा आप लोगों को डेली राइड के लिए बाइक चाहिए थोड़ी सी, मतलब थोड़ी नहीं मतलब भरपूर पावर चाहिए उसमें, आपको ये भी चाहिए कि लुक थोड़ी और तगड़ी हो, चक्के वगैरह और मोटी हो, फीचर रिच और ज़्यादा मिले, जैसे कि आप लोग के यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, देन आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एबीएस मोड, राइड मोड वगैरह ये सारी चीज़ें मिल रही है। एंड आप लोगों के लिए लॉन्ग राइड भी प्रेफर आप लोग ज़्यादा करते हैं, आप लोगों को ज़्यादा पावर की ज़रूरत है ताकि लॉन्ग राइड में आप लोगों को वो लैग फील ना हो, या फिर अगर आप लोड के साथ कैरी कर रहे हैं बाइक को तो कोई प्रॉब्लम आपको फील ना हो, ठीक है। तो आप कह सकते हैं डेली राइड के साथ साथ अगर आप लोगों को लॉन्ग राइड भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं विथ मोर पावर और माइलेज 25-30 से आप खुश हैं, मेरे ख्याल से एनएस 400 आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बाइक बन सकती है। तो दोस्तों तीनों ही बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, अब आपके हिसाब से आप कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, 160, 200 या फिर यहाँ पर एनएस 400, आप लोग कमेंट में नीचे लिखकर बताना, प्लीज़ नहीं भूलेगा, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं, भाई की काम अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर क्लिक करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ, टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।